व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई हूँ, आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, जो हम बाजार से लेते हैं नाश्ते के टाइम। जो हलवा पूरी के साथ हलवा मिलता है, या कोई भी हम नाश्ता करते हैं, पराठे लेते हैं बाजार से, तो उसके साथ जो हलवा मिलता है, वो वाला मैं हलवा बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं। उसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है, ये मैंने 1/4 कप चीनी ली है, 1 कप से कम है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और ये जो 2.5 गिलास, ये वाले 2.5 गिलास में पानी डालूंगी। ये मैंने रेड कलर का फूड कलर लिया है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। 2 मैंने सब्ज़ी इलायची ली है। इसमें मैंने 4 बादाम लिए हैं, 4 काजू हैं, थोड़े से चारे मगज, और ये 7 अखरोट हैं, और ये मैंने 7 मेवा, और ये नारियल का छोटा सा पीस ले लिया है, कोकोनट। तो नट्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, आप ना भी डालें आपकी मर्जी है। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2.5 गिलास इसमें पानी डालूंगी, शीरा तैयार करूंगी, जिसमें फिर 2.5 गिलास पानी। अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूंगी, जिसमें, और अब इसके अंदर मैं 2 पिंच ये फूड कलर है, रेड कलर का, ये डालूंगी। और ये जो 2 सब्ज़ इलायची हैं, जस्ट इनको मैंने ऐसे तोड़ के डालना है। आप चाहे बीज डालें, क्योंकि ज़्यादा मेरे घर में पसंद नहीं करते इसको, तो मैं जस्ट इसको फ्लेवर देने के लिए डालूंगी। ये जो नट्स हैं, इन सबको मैं धो के क्रश कर लेती हूँ। फ्लेम पे मैं शीरा तैयार करूंगी। शीरा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसको मैं उतार दूंगी। मैं इसमें देसी घी डालूंगी, आपकी मर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 चम्मच मैंने इसके अंदर घी डाला। घी से ज्यादा टेस्ट आता है, आप और भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप मक्खन भी डाल सकते हैं। गर्म हो गया, अब इसके अंदर मैं सूजी ऐड करूंगी। इसमें हम मुसलसल चमचा चलाते जाएंगे, सूजी को भूनेंगे। अब इसका गोल्डन कलर जब आएगा, उसके बाद इसमें पानी शीरा ऐड कर देना। 0 फ्लेम पे मैं सूजी को भून लूंगा। अगर इसके फ्लेम को ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगी। ये देखें, अभी भी किसी न किसी साइड से, एक साइड से अगर चमचा दूसरी साइड पे ले जाएं, तो पहले वाली साइड नीचे से कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो हमने सबका इक्वल, पूरी सूजी का इक्वल कलर चेंज करना है, इसको गोल्डन करना है। जस्ट कलर आ गया इसका, देखिए बहुत अच्छे से भून गई है सूजी, इसका कलर बहुत गोल्डन हो गया। तो अब इसके अंदर मैं शीरा ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलाएंगे, अब इसके अंदर चमचा मसाला चलाना है, और इसकी जो फ्लेम है वो हाई कर देनी है। कलर मेरे से थोड़ा ज्यादा चला गया, आप थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। 1 चुटकी मेरे ख्याल इसके लिए काफी था, मैंने 2 चुटकी डाला है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, हर चीज कभी कभी परफेक्ट नहीं होती, चाहे आप उसके लिए इतने मर्जी कारीगर हो। जैसे हम सबसे चलाना है, आप देख सकते हैं। अभी इसको इतना ही पतला उतारूंगी, उसको अगर ज्यादा मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया तो फिर ये और ये फिर सख्त हो जाता है। तो मैंने इसको पतला ही उतारना है। आपके सामने सब्जी का हलवा रेडी है, कलर इसका रेड है। बिकॉज ऑरेंज अगर मैं डालती तो कलर और होता, मैंने रेड कलर डाला, थोड़ा सा ज्यादा कलर हो गया, बट ये बहुत नाइस लग रहा है। सूजी का हलवा यहाँ रेडी है, तभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ओके, तो अब इसके अंदर ऊपर मैं नट्स से गार्निश करूँगी इसको। हलवा को मैंने डिश आउट कर लिया है, ये बादाम है। ओके, मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड कमेंट्स करें प्लीज़।
जहां रहे खुश रहे, मुझे दुआओं में याद रखा करें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। तो अभी मैं बनाऊंगी पराठे, जो लच्छेदार पराठे मैंने आपको उसका मटेरियल पहले दिखाया है, उसकी डो रेडी हो चुकी है, तो हलवा रेडी है। प्लीज आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, क्लोजअप मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको सजेशन करूंगी आप ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया करें, ऑरेंज कलर का ज्यादा लुक इसकी प्यारी आती है। मैंने पहले बनाया था ऑरेंज कलर के साथ, तो इस बार मैंने कहा रेड से ही ट्राई करती हूँ, तो रेड कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑरेंज कलर से रियल कलर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।